देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। डिजिटल इंडिया में डिजिटल आर्ट्स की असीम संभावनाओं को देखते हुए उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी जून 2023 से भारत का पहला स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स शुरू करने जा रही है। अवंतिका के कुलपति प्रोफेसर नितिन राणे के अनुसार इससे डिजिटल आर्ट्स के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट करने में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। 4 साल के BFA डिजिटल आर्ट्स कार्यक्रम में डिजिटल आर्ट्स, गेमिंग आर्ट्स, एनिमेशन आर्ट्स, मोशन आर्ट्स तथा इंस्टॉलेशन आर्ट्स में विशेष योग्यता हासिल की जा सकेगी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के अलावा देश विदेश के नामी डिजिटल आर्टिस्ट उज्जैन आकर पढ़ाएंगे। इनमें डिजिटल विधाओं के विख्यात कलाकार जैसे बीजू डी कबीर, मोहंती, नारायण परशुराम, जयशंकर शर्मा, हर्षवर्धन कदम, बारिश दाते, अदिति बाबेल, सोमनाथ पाल, देबाशीष मंडल, रुचि शाह और मोनिका सेठ शामिल है। स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स का पाठ्यक्रम IIT मुंबई के प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के मार्गदर्शन में किया गया है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध डिजिटल आर्टिस्ट और शिक्षाविद है सिंगापुर के NTU की प्रोफेसर इना कानराडी और जस्विन येओ, जापान की कोबे डिजाइन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कास्पर श्वास, टोक्यो के शिमित्सु कॉरपोरेशन के डॉक्टर तकाशी मात्सुमोतो, सिंगापुर के मार्क शावेज और अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उदय दंडवते सलाहकार मंडल में है। सलाहकार मंडल के सदस्य भी अवंतिका यूनिवर्सिटी आकर अपने विषयों की कार्यशालाएं चलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे पड़ गया है, तो हमारे ग्रुप की एक थॉट प्रोसेस थी, अगर विश्वविद्यालय चालू करना है तो हम उज्जैन में करेंगे और उज्जैन का जो प्राचीन नाम था शिक्षा के क्षेत्र में वो नाम फिर से उज्जैन को दिला के रखेंगे। तो इसलिए हमने हमारा जो विश्वविद्यालय 2017 में चालू किया वो उज्जैन में चालू किया। हालांकि हम ये विश्वविद्यालय MIT यूनिवर्सिटी नाम से भी चालू कर सकते थे, पर थॉट प्रोसेस यही था कि उज्जैन का जो नाम है, प्राचीन नाम है अवंती, जिसका कोई अंत नहीं, उस नाम के आधार पे हमने विश्वविद्यालय का नाम अवंतिका यूनिवर्सिटी रखा और 2017 में एक सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी, जिसे आज की तारीख में हम बोल सकते, उसका लॉन्चिंग किया। मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये भारत की पहली डिजाइन सेंटर यूनिवर्सिटी है। हमने डे वन से ही इस यूनिवर्सिटी में डिजाइन एजुकेशन को महत्व दिया है। उसके आधार पे डे वन से जो प्राचीन भारत में गुरुकुल पद्धति है उसके आधारित हमने टीचिंग पेडागॉजी डिसाइड की, जो हालांकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर आधारित है। जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है करते हैं ज्यादा से ज्यादा। उज्जैन के अवंतिका विश्वविद्यालय में नया जो स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट शुरू होने वाला है उसका अनाउंसमेंट किया है। ये प्रोग्राम जून 2023 से अवंतिका यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा। 4 साल का BFA कार्यक्रम रहेगा और इसमें डिजिटल आर्ट के सारे स्वरूप, खास करके एनिमेशन, मोशन आर्ट्स, गेमिंग आर्ट्स, एनवायरमेंटल आर्ट्स और डिजिटल आर्ट्स, इनकी शिक्षा दी जाएगी। और मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत इन सब विधाओं में आत्मनिर्भर हो जाए, इससे बाहर विदेशों से अपने को एक्सपर्ट नहीं बुलाना पड़े, अपने कार्यक्रम हम खुद हैंडल कर सकें। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर पाते हैं, ऑस्कर मिलते हैं, तो डिजिटल आर्ट्स में हम क्यों पीछे हैं। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है।